वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 5 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिया भी देखता है किसी ने सोशल मीडिया पर लव डॉक्टर और उसके शो के बारे में बहुत गलत लिखा हुआ था। ये काम शाओतोंग की एजेंसी के किसी मेंबर का होता है जो अपना गुस्सा शाओतोंग पर निकाल रहा होता है। ये पोस्ट वायरल हो जाती है जिसकी वजह से शाओतोंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शाओतोंग और जिया भी सारे एक्स मेंबर्स के बारे में पता लगाना स्टार्ट करते हैं। जिया भी रात को शाओतोंग का पीछा करता है क्योंकि उसे डर था कहीं कोई शाओतोंग के साथ कुछ गलत ना कर दे। एक चेन नाम का आदमी शाओतोंग को हर्ट करने वाला था, तभी जिया भी बीच में आकर उसे बचा लेता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पता चलता है लव डॉक्टर यानी शाओतोंग की एडवाइस के बाद ही चैन ने एक लड़की को डेट करना स्टार्ट किया था। बाद में उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन वो लड़की उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी, जिसकी वजह से चैन को शाओतोंग एक नंबर की फ्रॉड लग रही थी। चिया भी पुलिस स्टेशन में शाओतोंग को बहुत सपोर्ट करता है। शाओतोंग जाने से पहले पुलिस से रिक्वेस्ट करती है चैन को पनिशमेंट ना दे। बाहर आने के बाद जिया भी उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। शाओतोंग इस बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि मिस्टर चैन के साथ जो भी हुआ था वो उसका जिम्मेदार खुद को मान रही थी। जिया भी उसे समझाने का ट्राई करता है पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नेक्स्ट डे शाओतोंग का मूड ऑफ देखने के बाद उसकी बॉस उसे ब्रेक दे देती है। जिया भी शाओतोंग का मूड सही करने का बहुत ट्राई करता है पर उससे भी कुछ नहीं हो पाता। घर में आने के बाद शाओतोंग जियान को देखती है। उसकी मोम ने उसे आज डिनर पर इनवाइट किया था पर उसके पेरेंट्स खुद ही शौक में थे क्योंकि जियान और शाओतोंग एक दूसरे को पहले से जानते थे। उसके बाद ये लोग डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओतोंग को अपनी बहन गुआन का कॉल आता है। गुआन उसे जल्दी से हॉस्पिटल में आने के लिए बोलती है। हॉस्पिटल में शाओतोंग की मोम का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। शाओतोंग अपनी मोम को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जिया भी ऑफिस में भी शाओतोंग के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे शाओतोंग का कॉल आता है। शाओतोंग ने फोन को हॉस्पिटल जाते टाइम टैक्सी में ही छोड़ दिया था। टैक्सी ड्राइवर उसे फोन लेने के लिए आने को बोल रहा होता है। टैक्सी ड्राइवर जिया भी को ये भी बताता है कि शाओतोंग बहुत परेशान लग रही थी। जिया भी उसी टैक्सी ड्राइवर से मिलने जाता है। जिया भी जिनजिन को कॉल कर शाओतोंग के बारे में पूछता है। जिनजिन उसे बोलती है शाओतोंग अभी छुट्टी पे है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गया था, इस वजह से बॉस ने उसे ब्रेक दे दिया है। जिया भी पूछता है शाओतोंग तो खुद एक लव डॉक्टर है, दूसरों की लाइफ की लव प्रॉब्लम सॉल्व करती है, अब उसे खुद को क्या हो गया। जिनजिन बोलती है लव डॉक्टर है इसका मतलब ये नहीं है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी बहुत सारी चीजें हर्ट करती हैं। ये सुनने के बाद जिया भी को कुछ समझ नहीं आता। जिनजिन बोलती है एक साल पहले उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया था, उसने एक महीने तक तो किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं किया था। जिया भी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है शाओतोंग कहाँ है, उसके दोस्त उसे बता देती है। उसके बाद जिया भी हॉस्पिटल में भागते हुए जाता है। रिसेप्शन पर शाओतोंग और उसके फैमिली मेंबर के नेम से डिटेल पूछता है पर हॉस्पिटल के रूल्स की वजह से उसे शाओतोंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिया भी उसे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है पर उसे वो नहीं मिलती। रात को शाओतोंग अकेले बैठकर रो रही होती है। जिया भी वहाँ आ जाता है। शाओतोंग उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिया भी उसके पास आकर उसके शोल्डर पर अपना सर रखता है और बोलता मुझे पता है कुछ तो हुआ है, अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो बता सकती हो क्योंकि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं बताना चाहती तो भी ठीक है, बस इतना याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और उसे बोलता है मुझे प्रॉमिस करो अब से ऐसे बिना बताए गायब नहीं होगी। जिया भी और शाओतोंग कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। वापिस आते टाइम शाओतोंग जिया भी से पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। जिया भी उसे उसका फोन देते हुए बोलता है तुम्हें आदत हो गई है अपना फोन कहीं भी छोड़ने की, ये दूसरी बार है। उसके बाद जिया भी शाओतोंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिया भी शाओतोंग को मैसेज करता है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना मैं आ जाऊंगा। ये मैसेज देखने के बाद शाओतोंग स्माइल करने लग जाती है। घर में जिनजिन उससे मिलने आई हुई थी और उसे पूछती है मैं कितना परेशान थी जब मुझे पता चला तुम्हारी मोम बीमार है, पर मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा वो नेगेटिव मैन परेशान था, पर मुझे नहीं लगता अब उसे नेगेटिव मैन कहना सही होगा। शाओतोंग पूछती है तुम ऐसे जिया भी को बीच में क्यों ला रही हो। जिनजिन बोलती है क्यों नहीं लाऊंगी क्या, जब उसे पता चला तुम्हारी मोम हॉस्पिटल में है वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गया था, और जीमिन और अलान से मुझे पता चला जिया भी तुम्हारे चक्कर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को भी छोड़कर चला गया, बेचारे उन दोनों को वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। ये सुनने के बाद शाओतोंग को तो बहुत अच्छा लगता है। जिया भी का डॉग पोलो घर से बाहर आता है। जिया भी उसके पीछे आ रहा होता है तभी पोलो शाओतोंग के पास जाकर रुक जाता है। जिया भी शाओतोंग से पूछता है इस टाइम पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओतोंग उसे एक फूड का पैकेट देती है, अंदर दोनों साथ में खाने लगते हैं। जिया भी बस शाओतोंग को देखे जा रहा होता है। वो उसे पूछता है तुम मुझे बताओगी यहाँ इस टाइम पर क्यों आई हो। शाओतोंग बोलते है तुम कल इतना बिजी थे फिर भी मुझे हॉस्पिटल में मिलने आए, मेरे लिए वक्त निकाला इसलिए थैंक यू बोलने के लिए आई थी।
टिया भी झूठ बोलता, नहीं मेरे पास कल कोई काम नहीं था इसीलिए वहाँ आ गया। चाओदंग बोलती है, काम नहीं था पर तुम्हारे दोस्त ओवर टाइम कर रहे थे और अभी तुम घर में भी काम कर रहे हो। टिया भी बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे डैड को मेरी कंपनी को बंद करवाने का एक भी मौका मिले। चाओदंग पूछती है, ऐसा क्यों कह रहे हो। टिया भी बोलता है, मेरे डैड के पास बहुत कुछ है पर कुछ भी मेरा नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं अपने दम पर अपने बिजनेस बनाऊं और अभी वही करने का ट्राई कर रहा हूं। ये सुनने के बाद चाओदंग के मन में जियावी के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाती है। जियावी पूछता है, क्या तुम अभी मेरे साथ कहीं चलोगी। तीन शिफ्ट होता है मूवी थिएटर में। जियावी चाओदंग को थिएटर में लाया था। चाओदंग पूछते है, इस टाइम मूवी थिएटर में हम लोग क्या कर रहे हैं। जियावी बोलता है, मेरी कंपनी का काम है अगर मेरा क्लाइंट डिमोटिवेट हो जाए और लो फील करे तो उसे वापस कम बैक करने में हेल्प करूं। और अभी तुम बहुत ज्यादा लो फील कर रही हो इसलिए तुम्हारे मूड को चेयर अप करने के लिए यहाँ लाया हूँ। जैसे लोग मूवी देखकर रोते हैं वैसे ही तुम भी रोकर अपनी भड़ास निकाल सकती हो। यानी रोना है तो रो सकती हो, ना तुम्हें देखने वाला या जज करने वाला कोई नहीं होगा। सुनने के बाद जियावी और चाओदंग मूवी देखने लग जाते हैं। चाओदंग मूवी एंड होने के बाद रो रही होती है और जब जियावी की तरफ देखती है तो ये तो सो रहा होता है। नेक्स्ट डे जियावी चाओदंग को एक डिवोर्स पार्टी में ले जाता है। वापस आते टाइम चाओदंग जियावी से पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए थे। जियावी बोलते, तुम्हारी प्रॉब्लम है सारी दुनिया भर की चीजों के लिए अपने आप को ब्लेम करना। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कोई भी चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है। तुम इंसान हो, कोई भगवान नहीं। तुम्हें थोड़ी पता है मिस्टर चैन के साथ क्या होने वाला है। तुमने उसके लिए अच्छा ही सोचा था, उसके साथ गलत हुआ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये समझना चाहिए। उसके बाद जियावी उसे एक फॉर्म देता है। ये फॉर्म मिस्टर चैन का डेटिंग एजेंसी के साथ मेंबरशिप के लिए था। जियावी ने मिस्टर चैन को एक बार फिर से चाओदंग पर ट्रस्ट करने के लिए मना लिया था। चाओदंग उस फॉर्म को देखने के बाद रोने लगती है। जियावी उसे पूछता है, अब ये तो बता दो खुशी में रो रही हो या दुखी होकर। चाओदंग की मोम की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। उसकी बहन ग्वान उसे कॉल कर बताती है, मैं कल मोम को हॉस्पिटल से घर वापस ला रही हूँ। तो सुनकर चाओदंग और भी खुश हो जाती है। चाओदंग अपना लव डॉक्टर वाला आईडी खोलती है जिसमें फेक नेम से जियावी का मैसेज आया हुआ था। वो देखने के बाद चाओदंग उसे रिप्लाई करती है, तुम्हें इस समय एक अच्छे दोस्त की जरूरत है जिसके साथ तुम अपनी फीलिंग को शेयर कर सको और वो तुम्हें गाइड कर सके कि तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना चाहिए। ये मैसेज भेजने के बाद चाओदंग सोचती है, सब लोग लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, सबको अपना प्यार फिर से मिल रहा है, मैं मूव ऑन कब कर पाऊंगी। जियावी उस मैसेज को देखता है और चाओदंग के साथ ख्वाबों में खो जाता है। तभी उसे अचानक से अपनी एक्स की भी याद आ जाती है, जिसके बाद जियावी डिसाइड करता है अब पास्ट को बुलाने का वक्त आ चुका है। जियावी एक रेस्टोरेंट में आता है, वो अपनी एक्स को याद करता है और उसे गुड बाय बोलता है। जियावी को उस रेस्टोरेंट में चाओदंग भी दिखती है। चाओदंग भी अपने ब्रेकअप को याद कर रही थी। चाओदंग जियावी की दी हुई रिंग देखते हुए सोचती है, जिस तरह ये रिंग मेरे पास आई है वैसे ही दुनिया में कोई और भी होगा जो मुझे एक बार फिर प्यार करने आएगा। तभी जियावी उसके पास आ जाता है। जियावी चाओदंग के हाथ में अपनी रिंग वाला बॉक्स देखता है जो उसने स्टार्टिंग में उसे दी थी और उसे बोलता, अगर मैं भी तुम्हारी तरह लकी होता मैं बहुत पहले ही अमीर बन चुका होता। चाओदंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियावी बोलता है, पता है तुम मुझे सही कहती हो, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। इसी जगह पर एक साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद भी मुझे लगा वो एक दिन मेरे पास वापस आ जाएगी, पर अब धीरे धीरे मेरा दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है। ये बात सच है, मैं अपने पुराने दर्द को भूल नहीं पाया हूँ पर फिर भी मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक दोस्त चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं और उसकी हेल्प से अपने प्यार को पा सकूं। ये सुनने के बाद चाओदंग को याद आता है ऐसा ही एक सजेशन उसने ऑनलाइन किसी को भेजा था और उसे पूछती है, तुम ही फेक अकाउंट बनाकर मुझसे बातें करते हो ना। जियावी बोलता है, जब मुझे पहली बार तुम्हारे बारे में पता चला था तब मुझे ऐसा लगा शायद तुम एक सिंगल अनमैरिड हो, दूसरों को बेवकूफ सी लव थ्योरी देने वाली लव डॉक्टर हो। मुझे नहीं पता था तुमसे बात करने के बाद एक बार मैं फिर से प्यार करने की हिम्मत कर पाऊंगा। के बाद ये दोनों जा रहे होते हैं, रास्ते में चाओदंग का सैंडल फंस जाता है। चाओदंग के मर्फी लो के हिसाब से जिस दिन आप हील पहन कर निकलोगे उस दिन आपको पता चलेगा रास्ते में कितने सारे होल्स हैं। चाओदंग अपनी सैंडल निकालने का ट्राई करती है। जियावी उसे देखते हुए पूछता है, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। चाओदंग बोलती है, हाँ प्लीज हेल्प करो ना। जियावी उसे अपनी गोदी में ही उठा लेता है। चाओदंग पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो। जियावी बोलता है, तुमने ही तो बोला था हेल्प करो। जियावी चाओदंग को अपनी कार में बिठा देता है और उसके बाद चाओदंग का सेंडर निकाल कर उसे पहनाता है।
जियावी बोलता है कभी भी ऐसे सैंडल नहीं पहनने चाहिए जिससे आप खुद ही हर्ट हो जाएं। नेक्स्ट सीन में जियावी और उसके फ्रेंड्स डेटिंग एजेंसी वालों को लंच के लिए इनवाइट करने आते हैं। जियावी चाहता था शाओतोंग भी साथ में आ जाए पर वो काम का बहाना करती है। शाओतोंग काम कर रही थी, उसकी बॉस उसे कॉल कर बोलती है तुम्हें अभी डिवोर्स एजेंसी जाके एक फाइल पहुंचानी है। उसके बाद शाओतोंग वहां पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद शाओतोंग देखती है टेबल में बहुत सारे खाने की डिशेज हैं। जियावी भी वही होता। शाओतोंग पूछती है तुम अपने दोस्तों के साथ गए नहीं? जियावी बोलता नहीं। शाओतोंग पूछती है इतना सारा खाना एक जने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया या फिर तुमने किसी और के लिए भी मंगवाया है? जियावी बोलता नहीं मैंने तो एक जने के लिए मंगवाया था पर रेस्टोरेंट बहुत ही अफोर्डेबल था, कम प्राइस में मिल रहा था इसलिए ज्यादा मंगवा लिया। शाओतोंग बोलते ठीक है अब जब तुमने ऑर्डर कर ही लिया है तो इसे खत्म करने में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जियावी खुश हो जाता है क्योंकि ये जनाब तो यही चाहते थे। शाओतोंग खाना स्टार्ट कर देती है तभी उसे बार बार कॉल्स आ रही होती हैं। जियावी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। तुम कब दूसरों से पहले अपना ख्याल रखना सीखोगी? अगर खुद नहीं रख सकती हो तो मैं तुम्हारा ध्यान रख लेता हूँ। ये सुनने के बाद शाओतोंग पूछती है क्या कहा तुमने? जियावी बात को बदलते हुए बोलता है मेरा मतलब है अगर तुम यहाँ ऐसे करने वाली हो सकता है फ्यूचर में हमारी कंपनी को तुम्हारे साथ काम करने में प्रॉब्लम हो जाए। ये सुनकर शाओतोंग वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियावी अपने डॉग से बोलता है तुम्हें नहीं लगता मुझे शाओतोंग का ध्यान रखने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा? ऐसे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और वो अपना ध्यान तो रखती नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।